नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन सेलिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में जिसको यूटिलाइज करके इस मार्केट से बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। यकीन मान के चलिए, पूरे YouTube के इतिहास में आपको यह स्ट्रेटजीज कोई नहीं सिखाएगा। इतनी शानदार ये स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं जिसमें आपको अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना आपको कोई सपोर्ट देखने की ज़रूरत है, ना आपको कोई रेजिस्टेंस देखने की ज़रूरत है। सो पूरी स्ट्रेटजीज को ध्यान से सीखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ सीखिएगा। जब आप स्ट्रेटजी सीख रहे हैं तो कोई अदर वर्क नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपको स्ट्रेटजीज पूरी समझ में नहीं आएगी। और स्ट्रेटजीज अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजीज के बारे में कि यह स्ट्रेटजीज किस प्रकार से वर्किंग करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज के रूल के बारे में। स्ट्रेटजीज का सबसे पहला रूल यह है कि आपको हमेशा अपना प्रॉफिट और लॉस जो है 1:2 के फ्रेम में रखना है। मीन्स अगर आप 10,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा के लॉस के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप 2,00,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो आपको 1,00,000 रुपये से ज़्यादा के लॉस के लिए नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप 1:2 का जो रेशो है उसको समझ चुके होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल, पहले एक बार बैक टेस्ट करते हैं ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता है कि ऑप्स्ट्रा क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्स्ट्रा एक वेबसाइट है जिस पे जाकर के आप स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग कर सकते हैं PNL के साथ में, कि अगर आप ये स्ट्रेटजीज यूज़ करते तो आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। आइए स्ट्रेटजीज को स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए दोस्तों हमारे ऑप्स्ट्रा के होम पेज पे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या हैं। स्ट्रेटजीज ये हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना है, ना चार्ट देखना है, ना हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना और कुछ करना है। हर महीने की 1 तारीख को हमको एक चीज़ करना है, कोई भी एक अच्छा सा स्टॉक लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ICICI बैंक। ठीक है, आपको ऑप्स्ट्रा का होम पेज दिख रहा है जहाँ निफ्टी लिखा है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ICICI बैंक। ठीक है, आप देख रहे होंगे ICICI बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया। डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 मार्च और एंड डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं 31 मार्च। ठीक है, मार्च में आपको पता होगा कि जो एक्सपायरी थी स्टॉक ऑप्शंस की, उन सभी की एक्सपायरी थी 28 मार्च को। अब हमें क्या करना है, 1 मार्च को जहां पे ICICI बैंक का प्राइस था, तो आप देख रहे होंगे 1 मार्च को ICICI बैंक का प्राइस जो था 1066 1066 रुपये के आसपास था। अब हमें ये स्ट्रेटजीज में क्या करना है, 1070 रुपये का कॉल और 1070 रुपये का पुट, 1070 का कॉल एंड 1070 का पुट हमें सेल करना है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे एट द मनी है। एट द मनी में हम गए, यहाँ पे मैंने लॉट सिलेक्ट कर लिए 10 लॉट। ठीक है, 10 लॉट मैंने एट द मनी के यहाँ पे सेल किए। सेम प्रोसेस मैंने क्या किया कि एट द मनी के 10 लॉट यहाँ पे मैंने सेल कर लिए। ठीक है, एट द मनी के हमने कॉल एंड पुट क्यों सेल किए हैं, इसका रीज़न से है कि 1 मार्च को ICICI बैंक जो था उसका प्राइस था 1060। ठीक है, तो हमने एट द मनी देखा कि 1070 सबसे नज़दीक का एट द मनी है हमारा, वहाँ हमने उस ऑप्शंस के कॉल एंड पुट को सेल कर लिया। ठीक है, सेल करने के बाद अब जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमें कंडीशंस यह रखना है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो 1:2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने 10 लॉट सेल किए हैं तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या रख सकता हूँ कि मुझे अगर प्रॉफिट हो तो 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट हो और अगर मुझे लॉस हो तो 1,00,000 रुपये का लॉस हो। पूरे महीने ये स्ट्रेटजीज हमको चलाना है। जब भी हमें 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट दिखे, चाहे वो हमें 5 दिन में दिख जाए, चाहे 1 दिन में दिख जाए, चाहे 10 दिन में दिखे, चाहे मंथ के एंडिंग में दिखे, जब भी हमें 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा हम पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देंगे, और जब भी हमें 1,00,000 रुपये का लॉस दिखेगा हम पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देंगे। ठीक है,
यह पोजीशंस हम बना चुके हैं 1 मार्च को सुबह 9:20 पे। टाइम आप देख रहे होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ाते हैं, देखते रहिएगा सारी चीज़ों को। यहाँ पे 1 डे में स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो टाइम आप देख रहे होंगे। अब आपकी डेट हो चुकी है 4 मार्च और समय हो चुका है 9:20। ऑब्वियसली बात है, 1 मार्च को हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी, 2 या 3 मार्च को सैटरडे संडे रहा होगा इसलिए मार्केट क्लोज रहा होगा, तो डायरेक्ट मंडे पे हम आ गए हैं 4 मार्च को 9:20 को मॉर्निंग में 9:20 पे। तो आप देख रहे हैं कि हमें टोटल जो लॉस चल रहा है इस समय, ये चल रहा है 20,000 का। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे अगर 1,00,000 का लॉस होगा मैं दोनों पोजीशंस को स्क्वेयर अप कर दूंगा, तो क्या मुझे यहाँ पोजीशन स्क्वेयर अप करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आइए आगे चलते हैं। सेकंड डे पे हम गए, सेकंड डे पे आप देख रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पे 2,450 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे, हम फिर से आगे बढ़े। 6 मार्च हो चुकी है, मॉर्निंग में 9:20 का टाइम है, आप देख रहे होंगे अब मुझे 10,500 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। अगेन हम आगे बढ़े तो हमें 4,200 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। फिर हम एक दिन आगे बढ़ाएंगे, अब हमें 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप देखिए, ना हमने मार्केट देखा, ना हमने किसी और प्रकार के टेक्निकल चार्ट कुछ अलग से देखने की ज़रूरत पड़ी, ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रेटजीज़ ने हमको 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे दिया है 11 मार्च को सुबह 9:20 तक। और हम आगे बढ़ते हैं, 12 मार्च हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं 65,000 रुपये के प्रॉफिट में, 65,000 के प्रॉफिट में। और हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी हैं 64,000 के प्रॉफिट में 13 मार्च तक। अगेन हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं 14 मार्च को 73,000 रुपीज़ तक के प्रॉफिट में हम पहुंच चुके हैं, विदाउट किसी चार्ट देखे, ना मार्केट के अंदर हमने कोई फियर लिया है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सी स्ट्रेटजीज को हमने डिप्लॉय किया है और 73,000 के प्रॉफिट में हम पहुंच चुके हैं। हम आगे बढ़े, 15 मार्च को हम 89,000 के प्रॉफिट में पहुंच चुके हैं, 18 मार्च को आप देख सकते हैं कि 1,15,000 रुपये का प्रॉफिट हमारी स्ट्रेटजीज अभी दे रही है। अभी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल्स जो है वो क्या कहता है, 2,00,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा हम बुक कर लेंगे, 1,00,000 रुपये का हमें लॉस होगा हम बुक कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखिए 1,34,000 हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका है, 1,34,000 से हम पहुंच चुके हैं 95,000 के प्रॉफिट में। अगेन हम पहुंच चुके हैं 1,81,000 के प्रॉफिट में, अब हम पहुंच चुके हैं 1,91,000 के प्रॉफिट में। 27 मार्च देख लीजिए दोस्तों, 27 मार्च को मॉर्निंग में 9:20 पे हम प्रॉफिट में हैं 2,18,000 रुपये के, लेकिन क्योंकि हम 2,00,000 रुपये जैसे ही हमें प्रॉफिट दिखता हम बुक कर लेते, सो फाइनली हमने इस स्ट्रेटजीज के अंदर 27 मार्च को ओवरऑल 2,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने मार्केट को यूटिलाइज करते हुए एज अ ऑप्शन सेलिंग में सेफ साइड में बड़ी आसानी से 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। और मार्केट के अंदर लोग हैं जो कंटिन्यूसली लॉस 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 करते रहते हैं और मार्केट से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों जब तक मार्केट के अंदर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज को यूज़ नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना। अब कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो 1 मार्च या फिर मार्च का महीना ऐसा था जब आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर गई। मान लीजिए कुछ महीने ऐसे भी थे जब आपकी स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करती तो क्या होता। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, रेंडमली हम यहाँ पर 1 महीने पुराना एक डेटा उठा करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता अगर यह स्ट्रेटजीज मैंने 1 मार्च को ना बनाते हुए फरवरी में बनाई होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 फरवरी, ठीक है, एंड डेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ 29 फरवरी, ठीक है। अब 29 फरवरी हमने एंड डेट सिलेक्ट की है तो मुझे एक्सपायरी क्या सिलेक्ट करना होगी, 29 फरवरी, राइट। 29 फरवरी की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट कर ली। ये जो मार्च वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट है इनको मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ।
अब देखते हैं कि फरवरी में आईसीआईसीआई बैंक का जो प्राइस था वो कितना था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाईलाइट भी मैं कर रहा हूँ, 1028 ये हमारा फरवरी में आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1030 का कॉल एंड 1030 का पुट, हमारी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम आ गए 1030 का कॉल, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे 10 लॉट ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, इसको मैंने सेल कर दिया। पुट ऑप्शंस पे मैं गया, 10 लॉट सेलेक्ट हैं, इसको मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हमने 1 फरवरी 2024 को सुबह 9:20 पे एट द मनी के आईसीआईसीआई बैंक के कॉल और आईसीआईसीआई बैंक का पुट को हमने सेल कर दिया। रूल्स बिल्कुल सेम रखना है, 1,00,000 रुपये का अगर मुझे लॉस हुआ मुझे एग्जिट कर देना है, 2,00,000 रुपये का अगर मुझे प्रॉफिट हुआ मुझे एग्जिट कर देना है। आइए इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हैं। 1 फरवरी से हम पहुंच गए 2 फरवरी को, 2 फरवरी को जब हम देख रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 27,000 का। इसको और आगे बढ़ाते हैं, हमारा प्रॉफिट हो गया 26,000 का, और हमने आगे बढ़ाया हमारा प्रॉफिट हो गया 43,000 का। 6 फरवरी को हमें 43,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। हम आगे बढ़े, 7 फरवरी को हमें प्रॉफिट मिल रहा है 47,000 का, 8 फरवरी को हमें प्रॉफिट मिल रहा है 57,000 का, 9 फरवरी को हमें लॉस आ गया है 29,000 का। क्या हम यहाँ पे लॉस बुक करेंगे? बिल्कुल नहीं, जब तक हमें 1,00,000 रुपये का लॉस नहीं होगा तब तक हम बुक नहीं करेंगे। आइए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, 12 फरवरी को मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 44,000 का, 13 फरवरी को 43,000 का, 14 फरवरी को 73,000 का, 15 फरवरी को 95,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, 16 फरवरी को मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 1,02,000 का, और हम आगे बढ़ते हैं 19 फरवरी को मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 1,30,000 का, और हम आगे बढ़ते हैं 20 फरवरी को 1,42,000 का, 21 फरवरी को 1,07,000 का, 22 फरवरी को 1,22,000 का, 23 फरवरी को 1,14,000 का, 26 फरवरी को 1,41,000 का, 27 फरवरी को 1,78,000 का, 28 फरवरी को 1,64,000 का, और फाइनल डे 29 फरवरी हो चुका है, ये एक्सपायरी का लास्ट डे है क्योंकि 29 फरवरी की हमारी एक्सपायरी थी। आप देख सकते हैं 2,00,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट फरवरी के मंथ में भी मिलता अगर हम यह स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा कि बैक टू बैक 2 महीने हमने इस स्ट्रेटजीज को यूज़ किया और दोनों महीने हमने 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 4,00,000 रुपये का प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं पिछले 2 महीने में। अब हर व्यक्ति का एक अलग इन्वेस्टमेंट होता है, मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति 1,00,000 रुपये की रिस्क नहीं ले सकता, हर किसी के लिए इतनी रिस्क लेना पॉसिबल नहीं है, और हर व्यक्ति को 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट भी बहुत छोटा लगता है क्योंकि कई सारे ऐसे इन्वेस्टर और रिसर्चर्स भी होंगे जिनका करोड़ों अरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, राइट? तो वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है उसको कम कर सकते हैं। जैसे अभी ये स्ट्रेटजीज में मैंने आपको बताया कि हमने 10 लॉट बाय और 10 लॉट सेल किए थे। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो छोटा है, आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है, तो आप सिंगल सिंगल लॉट से भी ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। मींस 1 लॉट आप कॉल ऑप्शन सेल कीजिए एट द मनी का, 1 लॉट आप पुट ऑप्शन सेल कीजिए एट द मनी का, और आप अपना जो प्रॉफिट और लॉस का रेशो है उसको रख लीजिए कि मुझे 10,000 रुपये का लॉस होगा मैं एग्जिट कर दूंगा, मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफिट होगा मैं एग्जिट कर दूंगा। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज का चयन कर सकते हैं, राइट? तो यह थी दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटजीज ऑप्शन सेलिंग के अंदर जिसमें आप पूरे महीने वर्किंग करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे यह स्ट्रेटजीज आपको हाई ब्रोकरेज चार्जेस से बचाता है क्योंकि अगर आप पूरे महीने वर्किंग करते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी सारा पार्ट आप ब्रोकरेज के रूप में अपने इन्वेस्टमेंट का दे चुके होते हैं। तो इस स्ट्रेटजीज में सिर्फ आपने क्या किया कि केवल एक ट्रेड किया, राइट? और केवल एक ट्रेड करके आपने ये देखा कि आपने अपना ब्रोकरेज भी बचाया, ब्रोकरेज बचाने के साथ साथ में आपने प्रॉफिट भी लिया, वो भी 1:2 के रेशो के साथ में, राइट? तो यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज बचता है, टाइम बचता है, उसके अलावा जो मेंटली स्ट्रेस होता है उससे हम
मुक्त हो जाते हैं। अब यह स्ट्रेटजीज अगर मान के चलिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप 10 बार यह स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं तो इसके सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रहती हैं 7 to 8 times, मीन्स 7 to 8 times आप मार्केट से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। 2 to 3 times ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर आपको लॉस लगे। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेशंस वे में लेके जाना चाहें तो मान लीजिए अगर मैंने 8 times प्रॉफिट बुक किया तो हर बार अगर मैंने 2 lakh rupees का प्रॉफिट बुक किया है, मीन्स 16 lakh rupees का मैंने प्रॉफिट बुक किया है, और 2 times अगर मेरी स्ट्रेटजीज फेल भी हो जाती है तो 2 times मुझे 1-1 lakh rupees का लॉस लगता, तो कुल मिलाकर के मेरा लॉस होता 2 lakh rupees का। तो 16 lakh rupees की प्रॉफिट में से 2 lakh rupees का लॉस हटा भी दें तो टोटल मुझे 14 lakh rupees का प्रॉफिट तब भी यहाँ पे बचता है, राइट। तो इस प्रकार से जब हम प्लान करके वर्किंग करते हैं इस मार्केट में तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको स्ट्रेटजीज कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।